बिल्कुल इसी मेथड को अप्लाई करके हम बहुत ही आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस परसेंटेज चार्ट वैल्यू। चलिए देखते हैं कैसे। हमें पता है 1/2 कितना होता है, 50% होता है, एज यू ऑल नो दैट 1/2 50% के बराबर होता है। 1/3 33.3% के बराबर होता है। 1/4 25% के बराबर होता है। 1/5 20%। 1/6 16.67। 1/7 14 2/9%। 1/8 12.5%। अब चलिए देखते हैं इनको एप्लीकेशन कैसे करना है। अगर मान लीजिए 2/7 आ गया पेपर में, 1/7 कितना होता है 14 2/9 और 2/7 हो जाएगा, तो हम इस पूरे में सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर ये 3/7 हो जाएगा सिमिलरली 3 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसे अगर 2/4 हो गया तो 12.5% 1/8 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये 25% भी तो बोल सकते हैं, यानी वैल्यू 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब चीज वही है, बस हमें वैल्यूज याद करने से पेपर में हमें टाइम बच जा रहा है। 1/9 2/9 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे 22 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सिमिलरली 1/10 है 2/10 मतलब 1/5 20%, चाहे इधर कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए, बात एक ही है। सिमिलरली 1/11 इंटू 2 से करेंगे यू विल गेट 18 समथिंग। 1/2 इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 16 समथिंग। देखिए 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16.67। तो हमें वैल्यूज याद करने से कैलकुलेशन और टाइम बचता है। हमें पेन ज्यादा नहीं चलाना है, वैल्यूज को टिप पे रखनी है, ठीक है। बस इन वैल्यूज को क्रैम कर लीजिए, आप देखिएगा ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको कितनी मदद मिलेगी। सिमिलरली एक वैल्यूज और याद कर लीजिए 1/25, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिख लीजिए यहाँ 1/20 की वैल्यू होती है 5%, 5%। और सिमिलरली 1/25 की वैल्यू कितनी हो जाती है वो 4%। इसको याद कर लीजिएगा बस, और पेपर में इससे बाहर कोई भी डाटा नहीं आता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।